एवरी वन वेलकम टू करण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड का लास्ट चैप्टर विच इज़ एंगजाइटी डिसऑर्डर्स ये दो वीडियोस में हो we'll third, दो कवर हो जाएगा ठीक है उसके बाद वी मूव ऑन टू यूनिट थर्ड जिसके दो चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो गए हैं दैट इज़ ह्यूमन राइट्स एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ठीक है तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ का पी चाहिए उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी वहाँ पे मैं पीडीएफ टेस्ट सीरीज़ अपलोड करती हूँ एंड रिसेंटली मैंने यूनिट सिक्स जो है आपका जिसमें आपकी स्कीम्स वगैरह का पार्ट आता है उसका पार्ट वन वहाँ अपलोड कर दिया है एंड जल्दी वहाँ पर पार्ट सेकेंड भी उसका स्कीम्स का अपलोड हो जाएगा तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट uh, एक कर दूँ या इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैंने एक कॉमेंट देखा जो मेरी एक आ, वीडियो के नीचे आया था कि मैंने कास्ट सिस्टम का वीडियो बनाया हुआ है वहाँ पे कि ये कास्ट सिस्टम आप क्या पढ़ा रहे हैं ये तो यूनिट वन का पार्ट है तो देखो स्टूडेंट्स आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप मेरी चैनल पर जाओ वहाँ पर डिफरेंट प्ले बनी हुई हैं मैं सिर्फ जेके एस का कोर्स नहीं करवा रही हूँ मैं अपनी प्ले लिस्ट पर यूपीएससी सोशियोलॉजी का कोर्स भी कम्प्लीट कर रही हूँ तो जो यूपीएससी सोशोलॉजी है जहाँ जहाँ पे नितिन सांगवान नाम का प्ले लिस्ट बना होगा वो आप लोगों की प्ले लिस्ट नहीं है वो यूपीएससी सोशियोलॉजी की है तो गाइज प्लीज, प्लीज प्लीज टिक टू यर प्ले लिस्ट जेके एस एस बी एस्पिरंट नाम से वो बनी हुई है जेके एस एस बी एस्पिरेंट सुपरवाइजर एग्जाम ठीक है इस नाम से जो प्ले लिस्ट होगी जो उस प्ले लिस्ट के अंदर वीडियोज हैं आपको सिर्फ वही देखने हैं ठीक है ठीके? हो सकता है नाम सेम हो यूपीएससी के किसी टॉपिक एंड आपके किसी टॉपिक का वहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं होना एंड जो थंबनेल है वो भी डिफरेंट है आपका एंड जो यूपीएससी सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट है वीडियोस उनका थंबनेल वो दोनों डिफरेंट है ठीक है तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है मैसअप नहीं करो चीज़ों को आप अपनी प्ले से देखो जेके वाली प्ले से देखो नितिन सांगवन प्ले से आपका कोई लेना देना नहीं है वो यू सोशियोलॉजी की प्ले है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज़ एंगजाइटी डिसऑर्डर इसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा एंगजाइटी के बारे में एंड कैसे उसको ट्रीट करने के अलग अलग हमारे पास टाइप्स हैं तो एंग्जाइटी क्या होता है एंग्जाइटी हम सबको एट वन पॉइंट ऑफ लाइफ फ़ील हुई है जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर होते हैं तो हमारे हार्ट रेट पैल्पिटेशन्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं ठीक है थीके? थोड़ा हमें नर्वसनेस होती है कहीं उनको स्वेटिंग होना भी शुरू हो जाता है आउट ऑफ फेयर तो उसी फेयर को हम एंगजाइटी बोलते हैं अब क्या ये हर कोई फेस करता है वो एंग्जाइटी नहीं देखो नॉर्मल लेवल ऑफ़ जो फेयर वगैरह है वो चलता रहता है लाइफ में लेकिन एंगजाइटी होता है जब हमारे जो सिम्टम्स होते हैं से पेल्पटेशंस हो गया स्वेटिंग जब वो एक्सट्रीम चले जाएँ किसी के लिए पैथोलॉजिकल स्टेट में जाए पैथोलॉजिकल मीन्स जब वो एबनॉर्मल फील करने लगे उन सिम्टम्स का फॉर एग्जाम्पल लिटरली चक्कर आके गिर जाए ठीक है या हार्ट uh, रेट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि किसी के वो स्वेटिंग वो ठंडे पसीने पैनिक अटैक जैसा आना शुरू हो जाता है यूजुअली हम उस चीज को रिलेट करते हैं एंजाइटी से ठीक है तो हर छोटी अगर हमें इनकनवीनियंस फील हो जैसे कहीं जाने से पहले या कोई बात करने से पहले हार्ट रेट बढ़ जाए इसका मतलब ये नहीं आप लिटरली एंगजाइटी ही फील कर रहे हो वो एंजाइटी अलग होती है जो एक्चुअल जिन लोगों ने फील करी होगी लोगों को फील होता है ये सारी चीज़ें वो समझ रहे होंगे कि वो एंगजाइटी का क्या मतलब होता है जैसे आजकल एक फैशन बन गया है वी थ्रो दिस वर्ड डिप्रेशन वेरी इजीली कि हम तो हैं में डिप्रेशन है बट डू यू गाइ रियली नो डिप्रेशन जो है ये कितना एक uh, हम वेट डज दिस वर्ड होल्ड्स ये कितना एक भारी वर्ड है डिप्रेशन एंड जिनको डिप्रेशन होता है ओनली दे नो या जिनने किसी को डिप्रेस देखा होगा उनको पता होगा जो क्लिनिकल डिप्रेशन है ये कितना ज़्यादा जो है ये इंटेंस होता है ठीक है वैसे एंगजाइटी भी नॉर्मल हम फेयर हर चीज़ को एंजाइटी नहीं बोल सकते जब तो थोड़ा तो तो एबनॉर्मल हमारे सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं लिटरली हम फेंट हो जाएं हम बात नहीं कर पाए ठीक है मूव हमारा कोई वर्ड्स बोलने के ताकत में नहीं रहता है स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है कहीं को लूज मोशन हो जाते हैं ऐसे जब एक्सट्रीम हमारे एबनॉर्मल सिम्टम्स शो करने लगे तब बोलते हैं इंसान जो है उसको एंगजाइटी हो रही है फाइन द टर्म है एंगजाइटी डिसऑर्डर इज अ टर्म दैट कवर्स पैथोलॉजिकल फेयर एंड एंग्जाइटी पैथोलॉजिकल फेयर मीन्स जब आपका एबनॉर्मल स्टेट का वो फेयर आप फील करने लगते हो दिस टर्म्स दिस टर्म्स टू एन एक्सटेंट बिकेम मोर पॉपुलर इन साइकाट्री एट द वेरी एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी में ज़्यादा ये पॉपुलर होने लगे फ्र्यूट जो है आपके ये सिगमेंट फ्रीड उनने कहा था जो एंजाइटी है ये अडेप्टिव हो सकती है इफ़ द डिस्कम्फर्ट विद इट मोटिवेट्स पीपल टू लर्न न्यू वेज ऑफ अप्रोचिंग लाइफ चैलेंजेस इसका क्या मतलब हुआ आप अडेप्ट कर लेते हो अपनी एंगजाइटी से अगर आपको पता है कि जो भी इसके साथ डिस्कम्फर्ट आता है उसको कैसे टैकल करना है ठीक है वो डिस्कम्फर्ट क्या लेके आएगा एंड आप कैसे ओवरकम करोगे उस फेयर को तो यू बिकम अडेप्टड टू इट जैसे यूजुअली अगर किसी को पैनिक अटैक आता भी है तो इसकी एक ऐसी ट्रीटमेंट भी है उनको डॉक्टर बोलते हैं कि मतलब आपको एस्केप नहीं करना है इस सिचुएशन से ये आएगा जस्ट टेल यूर माइंड की हाँ आई नो ये पैनिक अटैक है ये, ये ओवरकम हो जाएगी तो वही सेगमेंट फ्रूट ने कहा था कि अडेप्टिव भी बन सकता है अगर हम जो है उस डिसकम्फर्ट के साथ क्या करें वो डिस्कम्फर्ट हमें मोटिवेट करे कि उस सिचुएशन को कैसे ओवरकम किया जाता है ठीक है तो ये सेगमेंट फ्रूट का कहना था जो वर्ड है एंगजाइटी हुआ है एक लैटिन वर्ड टू चोक और टू स्ट्रैंगल ठीक है जो एंजाइटी रिस्पॉन्स है इज ऑफ टन नॉट ट्रिगर्ड बाई अ रियल थ्रेट जरूरी नहीं जो एंगजाइटी हमें होती है वो किसी रियल थ्रेट से हो रियल थ्रेट हो भी सकती है लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता जिन लोगों को एंगजाइटी होती है ना उनके दिमाग में बस कुछ थाट्स घूमते हैं थाट्स लाइक like, अगर मेरे लाउड वंस को कुछ हो जाए अगर वो घर से दूर हैं तो वो सोचते हैं पता नहीं मेरे बच्चे ठीक हैं कि नहीं मेरे पेरेंट्स ठीक हैं कि नहीं और जब ये थॉट रीअर करते हैं उनके माइंड में बार 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 तो वो एंगजाइटी के एक पेशेंट बन जाते हैं उनको एंग्जाइटी होना फ्रीक्वेंट हो जाती है फाइन नॉर्मल डर तो ये तो सबको ही रहता है जब आप घर से दूर हो के कहीं कुछ हो ना जाए सारे ठीक है लेकिन जब वो पैथोलॉजिकल स्टेट एबनॉर्मल स्टेट का फेयर हो जाए तो आपकी आपके थॉट्स क्या करते हैं आपको एंग्जाइटी देते हैं तो जरूरी नहीं कि वो रियल थ्रेट हो आपके सारे घर वाले ठीक है वो बस आपकी फीलिंग है लेकिन कभी क्या होता है रियल थ्रेट भी होता है फॉर एग्जाम्पल आप कार में हो इस कार की ब्रेक फेल हो जाए तो वहां पे तो आपको एंगजाइटी होना लाजमी है अगर उस सिचुएशन में भी किसी को एंगजाइटी नहीं हो जाएगी तो वो इंसान फिर नॉर्मल नहीं होगा ठीक है लेकिन यूजअली इट इज़ नॉट ट्रिगर्ड बाय रियल थ्रेट ये बस आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं कि ऐसा हो अगर ऐसा हो जाए अगर वैसा हो जाए तो अगर इसे एग्जाम में आता है कि रियल थ्रेट से ट्रिगर होती है हमेशा एंगजाइटी तो आप उसको नो करोगे क्योंकि इट इज़ ऑफ्टर नॉट ट्रिगर्ड बाय रियल थ्रेट कभी वो बस आपके थॉट्स भी हो सकते हैं ये नॉर्मल है एक्सपीरियंस करना है एंग्जाइटी वन फेस्ड विद एनी स्ट्रेस और थ्रेटनिंग सिचुएशन बट इट बिकम्स एबनॉमल टू फील स्ट्रॉन्ग क्रॉनिक एंगजाइटी इन द एबसेंस ऑफ ए विजिबल कॉज ठीक है अगर मैंने कहा आप कार में हो वहाँ पे तो चलो ठीक है वहाँ पे ब्रेक फेल हो गया आपको एंगजाइटी फ़ील होगी लेकिन कोई कॉज नहीं है और आपका एबनॉर्मल सिम्टम्स हो रहे हैं विदाउट एनी रीज़न जस्ट बिकॉज आप सोच रहे हो कुछ चीज़ें तो वो क्या हो जाता है आपको क्रॉनिक एंगजाइटी हो जाती है उस सिचुएशन में वेल द प्रेजेंस ऑफ मीन सिंपली जो कंडीशन होती हैं जिनमें आपको एंगजाइटी फील हो रही होती है मे सेट द स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एंग्जायटीड नॉट द एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स जो चीजें होती हैं जिनकी वजह से एंग्जाइटी होती है दैट क्रिएट द एंगजाइटी बट रादर इट इज ग्रेटली डिटर्मेंड बाई परिटी टू कंट्रोल अ पोटेंशियल स्ट्रेसफुल इवेंट अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कंडीशन हो उनको देख के आपको एंगजाइटी हो बेसिकली एंगजाइटी क्या हो क्यों होती है क्योंकि लोगों को लगता है जो भी चीज़ें हो रही हैं मैं मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है वो कंट्रोल करने की तो लैक ऑफ कंट्रोल की जो फीलिंग होती है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए अगर खुदा न खास्ता मेरे किसी लाउड वन के साथ कुछ हो जाए तो मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है या मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं उस क्लाउड वन को बचा सकूं ठीक तो, uh, है तो मोर देन दिस के एक्चुअली एनवायरमेंटल स्ट्रेसर कोई प्रेजेंट है जैसे कुछ आप देख रहे हो गलत हो रहा है और आपको एग्जाइटी हो रही है वो आपका एनवायरमेंटल स्ट्रेसर होगा इससे ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर से ज़्यादा बड़ा रीज़न जो है एंगजाइटी होने का वो लैक ऑफ कंट्रोल है कि अगर ऐसा कुछ बुरा होता है आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर पाओ एंड इन चीज़ों की वजह से आपकी एंगजाइटी क्या है वो बढ़ जाती है वन चिल्ड्रन रिपीटेडली एक्सपीरियंस ए लैक ऑफ कंट्रोल और ए सेंस ऑफ अनप्रडिक्टेबिलिटी ओवर द इवेंट्स इन दियर लाइफ कि अगर कुछ हो जाए हम वो कंट्रोल नहीं कर सकते या अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है कि अभी हम ठीक हैं पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट हम ठीक होंगे कि नहीं ठीक है तो ये सारी चीजें ये आपको क्या करते हैं ज्यादा एंक्शस बनाती है हेल्पलेस बना बनाती है आप हर चीज से नेगेटिव आउटकम जो है वो एक्सपेक्ट करते हो नाउ नो मैटर हाउ दे मे ट्राई टू प्रिवेंट देम हो सकता है आप कोशिश भी करो कि उनको प्रिवेंट करने की लेकिन वो एंजाइटी आएगी और उससे क्या होगा आपके जो आउटकम्स हैं वो नेगेटिव होंगे नेगेटिव आउटकम अब देखो आप एग्जाम में सारा पढ़ के जाओ सब कुछ आपने पढ़ा हो रिवीजन भी किया हो लेकिन अगर आप कूल cool और काम कंपोजर मेंटेन नहीं रखोगे और आपके दिमाग में बार बार ये थॉट्स आएंगे कि नहीं मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं शायद फेल हो जाऊंगा पता नहीं क्या क्वेश्चन होगा तो अनप्रडिक्टेबिलिटी भी हाई होगी आप बोलोगे जो मैंने पढ़ा है उसमें से कुछ भी नहीं आएगा लैक ऑफ कंट्रोल भी होगा कि मैं तो फेल ही होने वाला हूँ मेरा कुछ नहीं हो सकता तो इन सब चीज़ों से क्या होगा नेगेटिव आउटकम ही आएगा एंड हो सकता है आप एग्जाम में फेल ही हो जाओ ठीक है तो एक कूल काम कंपोजर जो है वो मेंटेन रखना काफी जरूरी है और जो जिन लोगों में एंजाइटी ज्यादा होती है वो ये चीज नहीं कर पाते हैं आगे देखते हैं एग्जांपल ऑफ अर्ली एक्सपीरियंस दैट मे इन्फ्लुएंस अ पर्संस परसेप्शन ऑफ कंट्रोल ठीक है जैसे मैंने आपको कहा इंसान को क्या होता है वो लैक ऑफ कंट्रोल हो जाता है अपनी सिचुएशंस पे तो उसकी एंगजाइटी बढ़ जाती है तो ऐसा क्या होता है कि वो अपनी सिचुएशंस को सही से नहीं टैकल कर पाता और वो एंगजाइटी का पेशेंट हो जाता है फैमिली डायनामिक्स सच डायनेमिक्स पेरेंटिंग स्टाइल कई बच्चे ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं उनको पेरेंट्स ने बिल्कुल ही कुछ भी अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस कुछ सीखने अटोनमी सेल्फ सफिशंसी वो सारी चीजें नहीं दी होती हैं जो हमने कल भी थोड़ा बहुत आपको मैंने आपको बताया था या इसको अपोजिट अंडर प्रोटेक्टिव लो केयर स्टाइल की मतलब बिल्कुल ही ध्यान नहीं दो बच्चों को तो जिन बच्चों को एक्स्ट्रा ध्यान दिया गया होगा ओवर प्रोटेक्टिव या अंडर प्रोटेक्टिव हो सकता है लेटर एजेस में वो एंगजाइटी के शिकार बन जाए ठीक है सिग्निफिकेंट लाइफ स्ट्रेस लॉस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम प्राइमरी गिवर्स कहीं ऐसा होता है ना कोई अपने बच्चों को नानी वगैरह अपने बच्चों के लिए हायर कर लेते हैं तो फिर जब वो उन नानी से दूर हो जाते हैं पेरेंट्स बच्चों को अपने कंट्रोल में लाते हैं तो बच्चों को लॉस वाली फीलिंग आती है कि हम सेपरेट हो गए हैं अपने नानी से जो उनकी प्राइमरी केयर गिवर होती है ठीक है उस केसेस में भी बच्चों में एंगजाइटी आ जाती है ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस चाइल्डहुड में हुए होंगे अगर इमोशनली या सेक्शुअली या फिजिकली किसी भी टाइप का कोई अब्यूज बच्चे ने फेस किया होगा बचपन में तो उनमें भी एंग्जाइटी डेवलप होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं अब जो टर्म एंग्जाइटी है इज मेनली डिफाइंड एज वेग डिफ्यूज एंड वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फेयर एंड एप्रीहेंशन ठीक है डिफ्यूज सी फीलिंग होती है वेग आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है आपके साथ द इंडिविजुअल शोज कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम लाइक रैपिड हार्ट रेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डायरिया फेंटिंग डिजीनेस स्वेटिंग स्लीपलेसनेस फ्रीकुंट यूरिनेशन एंड ट्रिमर्स ये सारी चीज़ें आप लोग वो लो बच फेस करते हैं वो बच्चे जिनको एंगजाइटी होती है या वो एडल्ट ठीक है पीपल हु फील एंक्श आर नॉट अवेयर ऑफ द रीजन ऑफ देयर फेयर जिनमें एंगजाइटी ज़्यादा होती है कभी कभी जैसे मैंने आपको कहा कि रीज़न नहीं पता होता है कि क्या है ठीक है कभी जैसे आप कार में हो ब्रेक फेल होगी तो यू you नो know, उस टाइम पे एंग्जाइटी हो जाएगी लिंक कभी ऐसा होता है कि आपको क्लियर नहीं होता है कि हो क्या रहा है बस आपको कोई परेशानी होती है ठीक है आप सही से वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते और फिर इसका सोल्यूशन क्या आपको थेरेपिस्ट के पास जाना होता है जो डिफरेंट मेथड्स यूज करके आपको थेरेपी प्रोवाइड करता है ताकि आपकी जो एंग्जाइटी लेवल है वो रिड्यूस हो जाए अब क्या क्या कॉजेज हैं एंगजाइटी डिसऑर्डर के जेनेटिक्स हो सकता है दैट मीन्स आपको आपको इनहेरिट हुआ है ये पेरेंट्स से हेरिडिटरी है और ये काफी बड़ा फैक्टर प्ले करता है आपके जीन्स वगैरह अगर ये स्टडी हुई है इस बारे में और दिखाया गया है कि जिन बच्चों के जिनके पेरेंट्स में एंग्जाइटी इश्यूज होंगे बाद में उनके बच्चों में डेवलप होने के फेयर वगैरह ये चीजें ज्यादा होती हैं उनमें डेवलप होने के चांसेस सब्सटेंस अब्यूज ड्रग एडिक्ट्स वगैरह होते हैं उन वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है एंगजाइटी का स्ट्रेसफुल लाइफ मेंटल और फिजिकल अब्यूज किसी के साथ हुआ हो जैसे होता है ना अगर लड़कियों को एग्जाम्पल ज्यादा रिलेटेबल लगे शादी के बाद अगर वो मेंटल अब्यूज़ फेस करती हैं अपने इन लॉज के थ्रू या फिजिकल अब्यूज इन लॉज के थ्रू ठीक है तो उनमें भी एंगजाइटी डेवलप होती है लिविंग सिचुएशन चेंज हो जाए कोई बिल्कुल रिच से पोअर कैटेगरी में आ जाए ठीक है सारा लॉस ऑफ बिजनेस हो जाए उससे या कोई बीमारी हो डेथ ऑफ लाउड वन हो फॉल्टी रिलेशनशिप्स हो ब्रेन केमिस्ट्री हो केमिकल लोचा दिमाग में चल रहा है काफ़ी अनप्रोडक्टिव थाट्स आ रहे हैं चेंजिंग ऑफ जॉब्स और स्कूल माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना कोई ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस हो बचपन का ठीक है फिक्सेशन विद ऑब्जेक्ट सिचुएशन मतलब कोई फिक्सेशन हमने कहाँ पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फिक्सेशन जो अनरिजोल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं माइंड के जो सिगमन फ्रीड ने कहा था ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था तो वो जो अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन चीज़ों की वजह से भी एंगजाइटी हो जाती है विटनेसिंग बैड एक्सपीरियंस कोई बैड एक्सपीरियंस है लाइफ का एम्बेरसमेंट है किसी चीज़ को लेके आप एम्बेरस हो गए हो तो फिर वो भी लाइफ लॉन्ग आप पे इम्पैक्ट छोड़ता है और आप एंग्जाइटी के ये हो जाते हो शिकार टॉर्चर हुआ है आपके साथ या कोई नेचुरल डिजास्टर्स आपने देखे हैं कोई अर्थ फ्लड वगैरह इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है आपकी एंजाइटी बढ़ती है जैसे कोई अर्थ इस चीज़ से निकला हो या कहीं पर जहाँ सुनामी आई थी ठीक है बाद में वहाँ पे जापान में हुई थी तो उसके बाद वहाँ पे स्टडी हुई थी और देखा था इन चीज़ों के बाद क्या होता है आपके जो एंगशस लेवल थी लोगों में वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने लगी थी कि उनकी एंग्जाइटीज़ काफ़ी हाई हो गई थी तो ये सारे कॉजेज़ हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर के तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपको कॉजेज़ चार पाँच दिए हों और बोला हो क्या ये सारे कॉजेज़ जो हैं इनसे एंगजाइटी इंसान में होती है कि नहीं ठीक है तो आपको वो चूज़ करना होगा कौन सा कॉज तो उसमें ज़रूर एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबो होगा ऑल ऑफ द अबोव एंड एक टिप है मोस्टली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया यूजली उसके आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अब ही होंगे क्योंकि कोई ना कोई कॉज होता है जो आपकी लाइफ में जो एंग्जाइटी कॉज करता है आप में ठीक है चाहे वो यहाँ पे मैंने स्लाइड भी हो मैंशन हो भी या ना भी हो लेकिन यूजअली सारे कॉजेज जो होते हैं आप कहीं ना कहीं से उसको एंगजाइटी से रिलेट कर सकते हो तो अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर एक्जैक्टली नहीं पता होगा ऑल ऑफ द अबो अगर आंसर में लिखा होगा तो वही लिख के आ जाना अब अप्रोचेस टू तो द इंटरवेंशन इन एंगजाइटी डिसऑर्डर्स कैसे अब इंटरवीन करते हैं थेरेपिस्ट इन एंगजाइटी डिसऑर्डर्स में कैसे उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं इसके हमारे पास अलग अलग परसपेक्टिव हैं एक है साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव ये साइकोडायनामिक जो है ये फेमस करा था आपके साइको एनालिस ने सिगमन फ्र्यूड वो उनने भी एडवोकेट किया था इसको इस वाले प्रोसेस को प्र को तो ये बेसिकली क्या कहता है एंग्जाइटी होती है आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस ठीक है तो इस स्टेम्स फ्रॉम द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस दैट मीन्स आपके दिमाग में जो सारा चल रहा है ब्रेन केमिस्ट्री आपका केमिकल लोचा उन सब चीज़ों से एंग्जाइटी होती है एंड इसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हो जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आपके दिमाग में किसी पुराने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से कोई अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट रह गया है दिमाग में उस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करो तो आपकी एंगजाइटी कम हो जाती है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बुक्स में काफ़ी डिटेल में लिखा होगा जब तक आप रियल लाइफ एग्जाम्पल ना सुनो इसकी अगर किसी को कुत्ते से डर लगता है तो कुत्ते को देख के उसकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ती है तो वो इंसान क्या करेगा वो इंसान थेरेपिस्ट के पास जाएगा ठीक है अगर वो थेरेपी साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव परस्पेक्टिव का होगा तो वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस में जाएगा कि क्या हुआ था आपको कुत्ते ने कभी काटा था क्या इनकाउंटर रहा था आपका डॉग के साथ तो फिर अकॉर्डिंगली पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा ठीक है तो ये रिप्रेजेंट करता है एक अनरेजोल्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एनी सिचुएशन और ऑब्जेक्ट हैज़ सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस एंड कैन बी रिगार्डेड एज अ स्टैंड इन फॉर समथिंग एल्स दैट वन इज फ्राइटन ऑफ समथिंग दैट इज कम्प्लीटली बियॉन्ड वन अवेयरनेस ठीक है तो उसको मे बी उसको पता भी ना हो कि वो क्यों कुत्ते को देख के ये फील करता है ये एंगजाइटी तो फिर वो जो थेरेपिस्ट है वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसिस में उसको लेके जाएगा कि पहले आपके साथ ऐसा क्या क्या हुआ है ठीक है तो थ्रू दैट सेशंस वो वो चीज़ समझेगा कि मुझे कुत्ते से पहले कभी ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ था इस वजह से मैं कुत्तों से डरता हूँ तो उस वो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे डॉग उसकी एक सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस है सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस मीन्स कोई मीनिंग है उसका डॉग हम सबके लिए डॉग है लेकिन उसके लिए जो डॉग है वो एक सिचुएशन की तरफ पॉइंट आउट करता है जिस सिचुएशन कोई ऐसी क्रिएट हुई थी जहां उसको डॉग का डर दिमाग में बैठ गया था तो ये सबके साथ होता है इनफैक्ट मेरे साथ भी होता है क्योंकि मुझे बचपन में कुत्तों को देख के डर लगता था क्योंकि मेरे साथ ऐसे इनकाउंटर हुए हैं कुत्ते पीछे दौड़े हैं काफी बार भोंगते हैं एंड आज भी कुत्ते का छोटा बच्चा जो पपी भी होता है मैं उसको देख के भी डरती हूँ एंड ये आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये चीज क्योंकि बोलेंगे यार इतने छोटे कुत्ते के बच्चे से कौन डरता है अभी इस एज में आके पर मैं डरती हूँ क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस मेरा ऐसा हुआ है तो उतनी ज्यादा एंग्जाइटी नहीं होती है लेकिन डरती हूँ दूर ही रहने की कोशिश करती हूँ तो ये सारी चीजें जो है रियल लाइफ में होती है हम लोगों के साथ ठीक है बिहेवियर पर्सपेक्टिव वाले जो थे इसमें आप नाम याद रखोगे बी एफ स्किनर इन्होंने क्या किया इन्होंने चैलेंज किया अप्रोचेस ऑफ साइकोथेरापिस्ट को उनके अप्रोचेस को इन्होंने नहीं माना साइकोथेरापिस्ट क्या कहते थे दैन इन ऑर्डर टू चेंज द एबनॉर्मल बिहेवियर वन मस्ट रिमूव और रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट अंडरलाइंग द बिहेवियर ठीक है आप कॉन्फ्लिक्ट देखते हो जैसे पुरानी एग्जाम्पल में क्या देखा आपने डॉग देखा तो इनका ट्रीटमेंट होगा कि डॉग से दूर रहो आपकी एंगजाइटी ठीक रहेगी लेकिन जो बिहेवियरिस्ट हैं ये थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच है इनका अगर ये क्या बोलते हैं पहले हम इस पर देखते हैं कि ये जो हमारी एंगजाइटी है ये यूजली एक्वायर करते हैं इट्स इट इज़ अ लर्न और एक्वायर्ड रिस्पॉन्स अ सिम्टम दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई द एन्वायरमेंटल कंडीशनस कि हमारे आस पास जो हुआ है उससे वो क्या होता है वो एंग्जाइटी जो होती है हमारे आस पास की कंडीशनस की वजह से क्रिएट होती है और हमें क्या करना चाहिए हमें उसको अलग अलग तरीक़ों से फेस करके उसको रिड्यूस करनी चाहिए तो डॉग पुराने वाले जो हमने अभी पढ़ा साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव वो क्या करेंगे पास्ट एक्सपीरियंस उस पर डिवेल करेंगे देखने के लिए अच्छा पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था लेकिन जो बिहेवियर वाले हैं वो आज उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट में उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा पास्ट में क्या हुआ है वो प्रेजेंट उसको कैसे ट्रीट करेंगे उस चीज पे उनका फोकस होगा तो हो सकता है वो आपको डॉग के हम इसके आगे प्रोसेस पढ़ेंगे इसके टाइप्स बिहेवियर परस्पेक्टिव के उसमें आपको क्लियर हो जाएगा तो हो सकता है वो डॉग के साथ आपको थोड़ा नज़दीक लेने की कोशिश करे डॉग के कि देखो डॉग कुछ नहीं करेगा आपको या आपको नहीं काटेगा ऐसे ऐसे करके आपका जो करंट अफेयर है वो एलिमिनेट करने की कोशिश करे वे साइको वाला क्या करेगा वो आपका कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करने की कोशिश करेगा डॉग से कॉन्फ्लिक्ट है तो डॉग से दूर रहो ठीक है ये इन दोनों में डिफरेंस है क्लियर

एक्सटेंशन से कंडीशनिंग क्या होता है वो आपको कंडीशन करेगा कि आप डॉग के पास थोड़ा थोड़ा करके जाओ तो हो सकता है वो पहले आपको डॉग के वीडियोस दिखाए फ़ोन पे फिर आपको डॉग के वो फनी वाले वीडियोस दिखाए या डॉग को जब लोग जिनके पेट होते हैं डॉग वो उनसे कितना अटैच होते हैं तो डॉग का थोड़ा वो वाला साइड आपको दिखाने की कोशिश करे कि इतने बुरे नहीं होते हैं सबको काटते नहीं है जाके तो डॉग्स जो होते हैं काफ़ी फेथफुल होते हैं काफ़ी लविंग होते हैं वो एक्सपीरियंस कराए आहिस्ता आिस्सा फिर एक दिन जाके आपको डॉग्स के बीच में ले जाए उनके सर पे हाथ रखो आपका फेयर रिड्यूस करने की कोशिश करें उसको हम कंडीशनिंग बोलेंगे फिर री फिर आपको शाबाशी देंगे इस थॉट को री एनफोर्स कराएंगे कि हाँ येस यू ये आर डूंग वेरी गुड आप जाओ डॉग्स के पास एक दिन आपको अकेले भी ले जाएंगे कभी खुद साथ जाएंगे कभी आपको अकेले वहां पर छोड़ेंगे ठीक है एक सारी सेटिंग में ये सारी चीजें आपके साथ करेंगे ओके okay. इन फिर आपको रिवॉर्ड करेंगे अच्छी बातों से कि येस यू कैन यू कैन यू वेरी स्मार्ट उन चीजों को हम री कहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये चीजें करोगे आपका वो जो डर है डॉग्स का वो निकल जाएगा उसकी एक्सटेंक्शन हो जाएगी वो डर जो है वो डैट विल इवेंचुअली डाई वो खत्म हो जाएगा वो डर ठीक है तो बी एफ स्किनर ने कहा था जो बिहेवियर्स थे बी एफ स्किनर उन्होंने प्रेफर किए थे ये मेथड्स ऐसे करके आप जो एंगजाइटी है किसी की वो रिड्यूस कर सकते हो थ्रू कंडीशनिंग री एन्फोर्समेंट एंड योर एक्सटेंशन आगे देखते हैं हम एक्सपोज थेरेपी अब ये जो थेरेपीज हम पढ़ने वाले हैं आगे दो तीन ये आपके बिहेवियरल पर्सपेक्टिव का ही पार्ट है ठीक है एक्सपोज थेरेपी जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बिहेवियरिस्ट हैज बीन यूज्ड इन ट्रीटिंग फोबियाज या ओ अब जिसको जिस लेवल की एंगजाइटी है उसके लिए अकॉर्डिंगली जो थेरेपिस्ट है वो वो वाला मेथड यूज़ करता है एक्सपोज थेरेपी में क्या करता है आपको आपके डर से थोड़ा एक्सपोजर देता है उसको एक्सपोज करने की कोशिश करता है आपके साथ ताकि आपका वो डर निकल जाए इट मोटिवेट्स द क्लाइंट और पेशेंट टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द एक्चुअल नॉक्शियस स्टिमुलाय और विद यर इमेजिन प्रेजेंस अंटिल ही और शी बिकम्स यूज टू दैम इसके एग्जाम्पल सुन लो अगर किसी को स्पाइडर्स का डर है फॉर एग्जाम्पल तो स्पाइडर्स को देखे एंगजाइटी होती है तो एक्सपोज थेरेपी में हो सकता है पहले आपको स्पाइडर फोन पे दिखाएं स्पाइडर की पिक्चर दिखाएं ठीक है उसके बाद एक बॉटल में स्पाइडर को रखें और वो आपको बॉटल हाथ में पकड़ाएं फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपका थोड़ा वो रिस्पॉन्स जनरेट होना शुरू हो जाए पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो स्पाइडर आपके हाथ में रखें तो आपको बेसिकली क्या कर रहे हैं डायरेक्टली एक्सपोज कर रहे हैं आपके जो आप जो भी आपको चीज़ क्रिएट कर रही है ट्रिगर कर रही है आपका एंजाइटी वो चीज को आपको डायरेक्टली एक्सपोज कर रहे हैं सिस्टमैटिक डिसेंट्रिसाइजेशन इट इज अ थेपेटिक टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इट इज कॉमनली यूज टू ट्रीट फोबियाज और एंड अदर एंगजाइटी डिसऑर्डर्स अगर किसी को फोबिया होता है किसी चीज का फोबिया मीन्स डर द प्रोसेस इन्वॉल्व ग्रेजुअली एक्सपोजिंग द इंडिविजुअल टू द फेयर स्टूमुलस वाइल्ड स्ट्यूमुलसल्ड साइमटेनियसली टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू रिड्यूस एंग्जाइटी ठीक है इसमें क्या होता है सिस्टमैटिक डिसेंट्राइजेशन में इसमें ग्रेजुअल होता है इसमें डायरेक्टली आपको स्पाइडर जो है वो दिखाया जाएगा ठीक है और इसमें क्या होगा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है उसको फ्लाइंग से डर लगता है ठीक है ही इज केयर्ड ऑफ फ्लाइंग तो क्या होगा उसको अब एयरपोर्ट तो जाएगा ही नहीं क्योंकि उसको फ्लाइंग से डर लगता है लेकिन कभी ना कभी उसको फ्लाइट बोर्ड करनी पड़ेगी तो हो सकता है उसको पहले आहिस्ता आहिस्ता जो उसका थेरेपी थेरेपिस्ट है उसको समझाने की कोशिश करे कि फ्लाइंग बुरी नहीं है फिर उसको पायलट से मिलाए जो प्लेन फ्लाई करते हैं वो थोड़ा प्रोसीजर दिखाए कि कितना सेफ होता है ठीक है फिर उसको एयरपोर्ट ले जाए फिर एयरपोर्ट पे एक दिन उसको रनवे पे ले जाए जहां पे प्लेन्स जो है वो टेक ऑफ करते हैं एयरपोर्ट पे बाकी लोगों से मिलाए बच्चों से मिलाए जो फ्लाई फ्लाइट में बैठते हैं और विदाउट एनी एंग्जाइटी और इशू वो फ्लाइट जो है आराम से बोर्ड करते हैं तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उसकी कंडीशनिंग हो रही है पहले कंडीशनिंग करेंगे उसकी ठीक है वो वही वाला प्रोसीजर आ गया फिर री होगी कि हाँ यूर डूइंग वेरी गुड और आहिस्ता आहिस्ता उसको जो डर है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा ठीक है तो इसमें क्या होगा सिस्टमैटिक डिसेंटिसाइजेशन होगी उसको एक साथ ही नहीं बोलेंगे कि फ्लाइट में बैठो पहले उसको एयरपोर्ट ले जाएंगे एक दिन एयरपोर्ट ले गए अगले दिन उसको रनवे तक ले गए रनवे पे उसने फ्लाइट्स देखी फ्लाइट कैसे टेक ऑफ करती हैं फिर हो सकता है उसको किसी पायलट से मिलाए पायलट बताए उसको कितना टेक्निकल प्रोसीजर है फ्लाइट्स फ्लाई करना और कितना सेफ होता है और वो लोग कितने एक्सपर्ट होते हैं जब उसका थोड़ा ट्रस्ट लेवल उसमें बढ़ता जाएगा उसका जो डर है वो कम हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंटिसन ये भी किसका पार्ट है बिहेवियरल परसपेक्टिव का तो बेसिकली आपके बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश हो रही है इम्प्लोजिव थेरेपी ये भी इसी का पार्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लडिंग थेरेपेटिक टेक्निक यूज टू ट्रीट एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एंड फोबियाज इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट मेनी साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है इंक्लूडिंग एंगजाइटी डिसऑर्डर्स ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती हैं गोल ऑफ इम्प्लोजर थेरेपी इज टू कंफ्रंट दीज पेनफुल एक्सपीरियंसिस डायरेक्टली इन अ कंट्रोल्ड थेरेपेटिक एनवायरमेंट ठीक है विद एन एम ऑफ एक्सटिंगविशिंग द एंगजाइटी द एसोसिएटेड एंगजाइटी रिस्पॉन्स एंड प्रमोटिंग एडेप्टिव बिहेवियर तो उसको क्या करना हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस किसी का हुआ हो इस वजह से वो एंगजाइटी बैठ गई हो दिल में फॉर एग्जाम्पल कोई कभी किसी ऊंचाई से गिर गया हो तो उसको ऊंचाई से डर लगता हो तो वहाँ पे क्या करेंगे एक कंट्रोल थेरेपेटिक एनवायरमेंट में उसको वो डर निकालने की कोशिश करेंगे इस केस में थेरेपिस्ट क्या उसको बोलेगा बोलेगा आप इमेजिन करो आप किसी क्लिफ पे हो ठीक है आप किसी पहाड़ पे हो इमेजिन करो वो सीन इमेजिन करो अब क्या फील कर रहे हो आपको लग रहा है आप गिर जाओगे नहीं कूल रहो काम रहो आप नहीं गिरोगे तो फिर वैसे करके पॉजिटिव बातों से उसको वो चीजें इमेजिन करवाएगा पहले एक थे एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड थेरेपेटिक एनवायरनमेंट उसको सीधे पहाड़ पे ले जाके धक्का नहीं देगा कि देखो आपको कुछ नहीं होगा उसको सोचे उसको अपने ही रूम में रखेगा और उसको बोलेगा आप इमेजिन करो पॉजिटिव चीजें आप क्लिफ पे हो और कुछ नहीं हो रहा है आपके साथ क्योंकि आपका कंट्रोल जो है आपकी लेग्स वो आपके पास है आप आहिस्ता आहिस्ता उतरने की कोशिश कर रहे हो आप नहीं गिरोगे ऐसी सारी बातें करके उसकी थेरेपी करके एंग्जाइटी कम करने की कोशिश करेगा मॉडलिंग इज ऑफन यूज एज एन एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्ट्यूमिलाई थेरेपिस्ट मॉडल अ रिस्पॉन्स एंड देन प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक एज अ पेशेंट परफॉर्म्स द सेम बिहेवियर ठीक है ये मैं आपको एग्जाम्पल इसकी बता दू मॉडलिंग क्या होता है मॉडल होता है किसी चीज को लाइक like, आप एग्जैक्टली exactly उसका क्रिएट करते हो उसकी कॉपी क्रिएट करते हो ठीक है मॉडल बनाते हैं ठीक है, और आपको से काफी डर लगता है। तो आप के पास जाओगे, मुझे एंगजाइटी होती है इंटरव्यूज में मैं इंटरव्यू में नहीं जा पाता हूँ तो वो क्या करेगा वो किसी इंसान को लाएगा थेरेपिस्ट और उसके साथ वो कंडीशन रिक्रिएट करने की कोशिश करेगा वो कि इंटरव्यू में क्या होता है ठीक है तो वो थेरेपिस्ट क्या करेगा उसको बोलेगा Uh, अपने पेशेंट को बोलेगा आप इस बंदे की जिस बंदे को उसने लाया होगा या वो थेरेपिस्ट खुद भी वैसा रोल प्ले कर सकता है इसमें यूजली रोल प्लेइंग होती है चलो थेरेपिस्ट ने किसी और को नहीं लाया वो खुद रोल प्ले कर रहा है एंड उसको बता रहा है कि इंटरव्यू में कैसे होगा तो जो uh, ये इंडिविजुअल है जिसको एंगजाइटी होती है वो उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करेगा थेरेपिस्ट का ठीक है वो उसके टोन देखेगा बॉडी लैंग्वेज देखेगा कि कैसे करके वो जो इंटरव्यू है वो सक्सेसफुली इंटरव्यू अपना दे रहा है ठीक है उसके बाद वो क्या करेगा वो मॉडल करने की कोशिश करेगा अब जो एंजाइटी पेशेंट है उसको एंगजाइटी होती है वो वही चीज एक कॉपी करने की कोशिश करेगा कि अच्छा मुझे ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखनी है मेरा टोन ऐसा होना चाहिए वे ऑफ स्पीकिंग ऐसा होना चाहिए मुझे हैंड शेक करना है पहले रूम में आके ठीक है मुझे कैसे ग्रीट करना है जो सारी चीजें उसको उसने रोल प्ले करके सिखाई होंगी थेरेपिस्ट ने अब वो वही मॉडल करने की कोशिश करेगा ठीक है उसके बाद जो थेरेपिस्ट है वो उसको पॉजिटिव फीडबैक देगा और पेशेंट जो है वो सेम बिहेवियर जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा जब तक वो अपना इंटरव्यू कंडक्ट करे अपनी एंगजाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो पहले ही वो जो रूम जो इंटरव्यू में सारी चीजें होने वाली हैं उनको मॉडल करेगा विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट तो ये भी मॉडलिंग किसका पार्ट आता है आपका बिहेवियरल पर्सपेक्टिव का तो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के अंदर तो हमने पढ़ा एक्सपोज थेरेपी फिर हमने पढ़ा सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन फिर हमने पढ़ा इम्पलोसिव थेरेपी एंड उसके बाद हमने पढ़ा मॉडलिंग ठीक है ये सारे आप याद रख लेना ये किसका पार्ट है बिहेवियर थेरेपी का Behavior therapy, उसके बाद देखो cognitive perspective, देखो cognitive word जहां पे भी आप देखोगे ना वो आपके इंटेलेक्ट से मेंटल प्रोसेस से इंटेलेक्ट से कग्नेटिव ठीक है आपके माइंड से रिलेटेड होता है तो ये therapeutic approach जो है इट इज रूटेड इन द कग्नेटिव पर्सपेक्टिव इम्फोसाइज द रोल ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स इन शेपिंग इमोशन एंड बिहेवियर तो किस पे रिलाई करता है थाट्स एंड बिलीव पे क्योंकि वो कहाँ से जनरेट होते हैं आपके माइंड से तो ये टारगेट करता है डिसफंक्शनल थिंकिंग पैटर्न जो हम आलतू फालतू का ओवर थिंक करते हैं या हमारा जो गलत बिहेवियर होता है या इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं किसी चीज को लेके उनको टारगेट करने की कोशिश करता है एंगजाइटी को रिड्यूस करने के लिए ठीक है इसके टाइप से रैशनल थेरेपी कॉग्नेटिव रिस्ट्रक्चरिंग एंड थॉट स्टॉपिंग एंड कग्नेटिव रिहर्सल ठीक है बस यही पॉइंट्स आप याद रख लो पहले हम जल्दी से इनको डिस्कस करते हैं रैशनल थेरेपी इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ कि जो प्रॉब्लम्स होती है मोस्टली इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में इलॉजिकल लॉजिकल थाट्स आते हैं अगर अभी आपके सामने लैपटॉप और पेन है आप पढ़ रहे हो ठीक है एंड आपका बेबी आपके मदर के पास है मदर इन लॉ के पास है ऑल दो वहाँ भी सेफ है लेकिन आपके दिमाग में इलॉजिकल लॉजिकल थाट्स आएंगे कुछ हो गया तो हाथ छूट गया तो बच्चा यहाँ वहाँ चला गया तो ठीक है ऑल दो उनका कोई एविडेंस नहीं हो उन चीज़ों का वो वो लोग भी ध्यान रखते हैं बच्चों का लेकिन आपके दिमाग में इराशनल थाट्स आते हैं तो जो आपका थेरेपिस्ट है वो उन्हीं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं कग्नेटिव रिस्ट्रक्चिंग में क्या होता है आपको खुद से जो इरेशनल बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस हैं वो खुद से करेक्ट करने होते हैं ठीक है दिस मोटिवेट्स अ पेशेंट और क्लाइंट अटेंशन टू द अनरियलिस्टिक थॉट दैट सर्व एज क्यूज फॉर हिज और हर माल अडेप्टिव बिहेवियर एक बार पता चल गया आपको बोला आपके थेरेपिस्ट ने कि आपको इन चीज़ों की वजह से ये दिमाग में सारे गलत चीजें आ रही हैं फिर आप क्या करोगे ये फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सोचेगा कि क्या इरेशनल बिलीव्स है और उन पर काम करने की कोशिश करेगा तो कग्नेटिव रिस्ट्रक्चरिंग में जो मेन एक्टर काम करता है वो आप खुद हो और इसमें क्या होता है आपको वो इमोटिव थेरेपी दी जाती है आपके इरेशनल रैशनल थाट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाती है कग्नेटिव रिस्ट्रक्चरिंग में आप खुद से उनको रिस्ट्रक्चर अपने थाट्स को करना चाहते हो थॉट स्टॉपिंग टेक्निक होता है कि आपको बोलते हैं कि जो ही आपके दिमाग में कोई आलतू फालतू वाला थॉट आ जाए जैसे आपकी एंग्जाइटी जो है वो ट्रिगर हो जाए आप कोई थॉट स्टॉपिंग काम करो मतलब जिससे एग्जैक्टली exactly आप uh, मतलब आप uh, उसी सडनली आप डिस्ट्रैक्ट करो खुद को उस थॉट से वो कैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी आपको थेरेपिस्ट ने बोला होगा आपके हाथ में रबर बैंड रखो और जो ही आपको कोई ऐसा एंजाइटी वाला थॉट है उस रबर बैंड को पुल करो तो वो रबर बैंड अगर आप उंगली में रखे खुद को पुल करोगे तो क्या होगा आपको लगेगी ना जब रबर बैंड आप छोड़ोगे ठप करके वापस आएगा आपके हाथ पे गिरेगा तो थॉट स्टॉपिंग हो गया या बोला होगा आप और ये थेरेपिस्ट तो नहीं बोलेंगे पर चलो फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं

उसको समझने के लिए भी हम जॉब इंटरव्यू के एग्जाम्पल ले सकते हैं आपको क्या करना पड़ेगा अगर जॉब इंटरव्यू आपको चाहिए आप उसमें एग्जाइटी होती है तो आप क्या करोगे अपने घर जाके रूम में जाके मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हो मिरर जो आपको बेस्ट प्रैक्टिस करवाएगा उसके सामने बैठ के बोलोगे मेंटली रिहर्स करोगे कि मुझे जॉब इंटरव्यू में कैसे बात करनी है क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ठीक है तो वो सारी चीजें आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो वो उसको बोलते हैं कग्नेटिव रिहर्सल आप उन चीजों के रिहर्सल करोगे ठीक है मेंटल रिहर्सल करोगे दिमाग में वो सारी चीजें लाओगे तो ये आपके कग्नेटिव से रिलेटेड

फेयरफुलनेस एंड एग्रेसिवनेस तो ये किससे रिलेट होते हैं आपके हेरिडिटी से क्योंकि आपके पेरेंट्स यूजुअली ऐसा उन्हें डिस्प्ले किया होता है बिहेवियर वो आपके जीन्स में आता है और आप भी फिर कल को ऐसा बिहेवियर डिस्प्ले करने के आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं स्टडी फाउंड दै द चिल्ड्रन ऑफ पीपल ट्रीटेड फॉर एंगजाइटी डिसऑर्डर्स वर मोर एंक्शस एंड फेयरफुल एंड शोड मोर डिफिकल्टीज वरीज एंड हैड ग्रेटर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एज कम्पेयर टू चिल्ड्रेन ऑफ द नॉर्मल पेरेंट्स ठीक है तो अगर पेरेंट्स में प्रॉब्लम हो बच्चों में चीजें बाद में चांसेस ज़्यादा होते हैं होने के तो इसे बेहतर है कि खुद को अभी करेक्ट करना क्योंकि अगर आपने अभी करेक्ट नहीं किया कल को आपके बच्चों को भी फेस करना पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट ने सपोर्ट किया है दैट द इफेक्ट ऑफ मोर जेनेटिक फैक्टर एंड अ स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड वीकर इफेक्ट फॉर अ फैमिली एनवायरमेंटल फैक्टर दैट मीन जो जीन्स है उनका रोल ज़्यादा होता है इन चीजों पे आपके एंजाइटी डिसऑर्डर पे एस कंपेयर टू आपके जो सराउंडिंग्स होते हैं एनवायरमेंट होता है उससे ज्यादा असर किसका होता है आपका जीन आपके जीन्स का तो बायोलॉजिकल परसपेक्टिव भी है काफी इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है थ्रू ड्रग्स दवाई दी जाती है मेडिकेशंस ठीक है ट्रीट करने के लिए स्पेसिफिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स इसके लिए बेन्जोडींस जो है बेंजोडाइजीस ये एक ट्रेंकुलजिंग ट्रेंकुलजर ड्रग है जो आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है दे आर द मोस्ट कॉमन यूज सोमैटिक थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंगजाइटी ठीक है एंटी डिप्रेसेंट्स भी इस केसेस में दिए जाते हैं ताकि आपकी एंगजाइटी को रिड्यूस कर सके तो इसमें सोमैटिक क्या होता है सोमैटिक एक्चुअली मीन्स योर बॉडी सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी तो बेसिकली आप बॉडी को ट्रीट कर रहे हो ना आप दवाई दे रहे हो एक्सटर्नल मेडिसिन ताकि आपके बॉडीली फैक्टर्स जो है वो फैक्टर्स सही हो जाए जिससे आपकी एंगजाइटी रिड्यूस हो जाए ठीक है तो इसमें आ गया सोमैटिक तो यहां पे लेट्स स्टॉप दिस लेक्चर ये एंजाइटी हमने पढ़ लिया मैंने आपको इन डिटेल बताया क्योंकि देखो सिलेबस में जस्ट मेंशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड फिर कुछ डिसऑर्डर्स मेंशन है जो आपको स्पेसिफिकली पढ़ने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे लेकिन इस एंजाइटी टॉपिक में क्या डिटेल में आ सकता है वो नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए मुझे जो भी लगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड किया है ये मैं अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम पेज इसका पी डी एफ तो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे एंड डू शो योर लव टू दिस चैनल सब्सक्राइब करें शेयर करें फ्रेंड्स के साथ एंड मुझे कॉमेंट्स में बताएं वीडियोज कैसे लग रहे हैं बाय बाय